रॉकी का आखिरी ऐलान। किन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे केजीएफ के लोग? क्या रॉकी को समंदर में जाने से किसी ने नहीं रोका? क्या केजीएफ पर हमले से पहले रॉकी ने की सभी से बात? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। दोस्तों, फाइनली फिल्म की एक अहम हिडन डिटेल से हम पर्दा उठा चुके हैं कि कैसे मेकर्स ने फिल्म में एक सीन अधूरा छोड़ दिया और हमें भनक भी नहीं लगने दी कि इस सवाल का जवाब हमें तभी तक नहीं मिला। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि श्याम श्रीनिवास के कहने पर एल डोराडो ढूंढने के लिए केजीएफ जाता है और उसे वहां वो मिल भी जाता है, बट अचानक वहां केजीएफ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिल्म में वहीं से ये सीन काट दिया जाता है। यानी इसके बाद वहां क्या हुआ, केजीएफ के लोगों ने श्याम के साथ क्या किया, उसे क्या बताया, ये सब सवाल अधूरे ही रह गए। लेकिन हमने आपको इसके आगे की कहानी बताई थी कि आखिर श्याम के साथ क्या हुआ। असल में केजीएफ के लोग ऐसे नहीं थे कि किसी अनजान इंसान को चोट पहुंचाए या ये उन्हें मारे, और इतने लंबे समय के बाद वहां की जनरेशन भी आगे बढ़ चुकी है, बट उनमें से कई आज भी जिंदा हैं, जैसे खुद आनंद जिनसे हमें केजीएफ फर्स्ट की कहानी सुनने को मिली। बस ऐसे ही केजीएफ में श्याम और उसके ऑफिसर्स को वहां के लोगों ने भी रॉकी की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी बताई जो खुद आनंद अपनी किताब में नहीं लिख सके या उन्हें खुद नहीं पता चला। और अब वो सब बातें वहां के लोगों को कैसे पता है? इसका जवाब भी सिंपल है, क्योंकि वहां के लोगों में वनरम और कासिम चाचा भी शामिल थे। अब हालांकि इस समय तक कासिम चाचा का जिंदा होना किसी हद तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन वनरम जिसे रॉकी के हर प्लान की भनक रहती है, जो बिना कुछ जानते हुए भी ये जान गया था कि रॉकी इनायत खलील के पास गया है, उसे रॉकी के उस प्लान का भी पता था जो उसने एंड में बनाया और क्यों वो फोन बिजनेस में एनरोल था। क्योंकि अब अगर आप पूरे गौर करें तो केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स सीन से जुड़े जस्ट पहले ही सब कासिम चाचा रॉकी से कहते हैं कि ये मशीन यहाँ नहीं मिल रही है, तो रॉकी उनसे कहता है कि यूएसए से मंगवा लीजिए ना। यानी यहाँ से ये बात साफ थी कि कासिम चाचा को रॉकी के फोन क्राइम्स और बिजनेस के बारे में सब कुछ पता था। और क्योंकि रॉकी के जाने के बाद कासिम चाचा और वनरम एक साथ ही न्यू केजीएफ सिटी में रहे, तो इसके भी बहुत चांसेस हैं कि वनरम को रॉकी के बारे में जो बातें नहीं भी पता थी वो भी पता चल गई होंगी। साथ ही यहाँ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सामने आती है कि केजीएफ छोड़ने से पहले जब रॉकी ने केजीएफ के लोगों को और अपने लोगों से बात करी तो वहां उसने ये बताया होगा कि आखिर अब वो क्या करने वाला है और बाकी सभी को क्यों यहां से बाहर जाना पड़ेगा। ये बात तो साफ सेंस बनाती है कि रॉकी को उसके लोग इतनी आसानी से केजीएफ छोड़ने को राजी नहीं होने वाले थे और ना ही वो उसे छोड़ता देख सकते थे। तो वहां भी रॉकी ने सभी लोगों को कुछ ऐसी बातें जरूर बताई होंगी जिनकी वजह से सभी लोग केजीएफ छोड़ने को राजी हो गए और रॉकी को वनरम और यहाँ तक कि कासिम चाचा ने भी नहीं रोका। अब आखिर उसने वहाँ क्या कहा और क्यों वो समंदर में गया, इन सब बातों का जवाब भी आपको जल्द मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।